आप लोगों को आज गाने की शूट हो रही है सर के साथ, क्या होने वाला है, कुछ हंगामा आप लोग करने वाले, कुछ अगर आप बता सकते। देखो हंगामे तो हम करते आए हैं, आज धमाके भी करते आए हैं, आज कुछ परमाणु बॉम्ब गिरने वाला है आई थिंक, तो एक्चुअली न्यूक्लियर बॉम्ब गिरने वाला है, क्योंकि हम लोग का कोलैबोरेशन सॉन्ग वाइज ये पहला नहीं है। हमने एक जिंगल भी किया था इससे पहले, गाना नहीं बोलेंगे उसको, इट वाज लाइक अ जिंगल एंड गाना, हम लोग पहली बार कोलैब कर रहे हैं और हम लोग दोस्त तो बहुत पुराने हैं, स्ट्रगल टाइम्स है। या मतलब जब मैं स्टार प्लस पे था, एक शो आता था, उसके बाद मैं मिला दानी से, तो उससे भी पहले हाँ मतलब तब आया नहीं था वो, या तो उससे पहले मिले थे, तो बातें चलती थी ऐसे, अपने लिरिक्स विरिक्स चलते थे, तभी ये भी शुरुआत थी। हैं तो हम काफ़ी देर से इस लाइन में, बट यू नो दैट द स्ट्रगल टाइम था वो। पर अभी गाने की बात जो है, ये ज़रूरी है कि ये भी जो गाना ना, कम से कम एक साल हो गया हमको। हाँ तो मैं वही बताने वाला था कि हम लोग तब मिले, प्लान किए, उसके बाद फिर फाइनली ये एक मुकाम पे काम करने लगे, मैं एक मुकाम पे काम करने लगा। स्ट्रगल तो देखो चलता रहता है लाइफ टाइम में, चाहे कितने भी हम आगे बढ़े तब भी स्ट्रगल एक अलग लेवल का था, लग्जरी स्ट्रगल चलता है फिर, कि हम सिल्वर से गोल्ड पे कैसे आए, गोल्ड से डायमंड पे कैसे आए, फिर डायमंड से फिर कोहिनूर को कैसे लाए, तो ये तो चलता रहता है। ये कभी हमारी जो लोगों की होती है ह्यूमैनिटी नेचर बोल सकते हैं, ह्यूमन नेचर, जो भूख नहीं मरती है। तो या फिर उसके बाद हमने जिंगल किया एक, वो काफ़ी फेमस रहा, लोगों को बहुत पसंद आया और हमने काम बहुत क्वालिटी वर्क उसमें किया। RCR ने उसमें रैप लिखा, मैंने उसमें रैप गाया तो ऑब्वियसली RCR की राइटिंग का मैं फ़ैन हूँ, बहुत अच्छा दिखता है वो, बहुत अच्छे सेंसेस होते हैं उसके वर्ड्स में। मैं भी एक राइटर हूँ बट मैं समझता हूँ कि किस लेवल पे जाके लिखना पड़ता है चीज़ें। तो या फिर हमने ये गाना प्लान किया, मैंने RCR को गाना भेजा जब आई वॉज प्लानिंग दिस सॉन्ग, तो कि RCR कुछ ऐसा यार आइडिया आ रहा है मेरे को, मैं एक ट्रैक बनाया हूँ, मैंने एक ऐसा कंपोज किया है, मैं चाहता हूँ इसमें तुम कुछ रैप लिखो मस्त और इसको गाओ। तो मैंने भेजा एंड ही वाज लाइक वाओ यार गाना तो बहुत सेट है, मैं बस एक दिन में लिख के दूँ, मैं कल तक देता हूँ। और लिटरली RCR ने मुझे कल तक लिख के भी दिया और गाया भी उसको मस्त अपनी अच्छी वॉइस में, और गाना फाइनली इतना अच्छा बना, सबको इतना पसंद आया कि हमने एक बैंगर प्लान किया। पहले तो हम नॉर्मली एक शूट का रख रहे थे कि चलो करके डाल देंगे, बट इतना अच्छा लगा सबको गाना, उन्होंने सब ने मुझे ये बोला ऐसे नॉर्मली इसको मत बनाओ, ऐसे नॉर्मली मत करो, इसको बढ़िया अच्छे तरीके से शूट करो। सर जब भी आप रैप करते हो सर, पूरा हंगामा मच जाता है, सर का जैसा सॉन्ग आता है तो सर इमोशनल सॉन्ग लिखते हैं, आपका रैप होता है वो भी हंगामा करता है, क्या कहना चाहोगे इसको लेके, आपने इंडस्ट्री में हंगामा करके रखा। मेरा तो मानना ये है कि जो भी है उस ऊपर वाले की रहमत है, और जो मेहनत है वो एक वक्त पे आके जो है इंसान करता है तो ऊपर वाला भी देखता है हमने कब देना, तो वो साकार हुई, अभी भी सफ़र जारी है। बट जहाँ तक रही गाने की बात, वही जो बात हो रही थी कि एक दिन में जो रैप लिखा, तो वो इट्स ऑल अबाउट वाइब, नो के एक साउंड की फ्रिक्वेंसी के साथ जब हमारा माइंड मैच कर जाता है तो वो इंसान जब वाइब में आता तो वो बहुत जल्दी चीज़ें होती हैं। तो ये इसके प्लान पहले भी बनते रहे, गाना अब शूट करेंगे, तो जब होना होता है चीज़ तब होती है। तो बाकी तो आज जो गाना शूट हो जाएगा ये क्या होने वाला है, कि दिल टूटने वाला है, क्योंकि दिल टूट जाता है, ब्रेकअप हो जाता है, लव एंगल क्या होने वाला है? देखो कहीं ना कहीं हम दोनों ही उस दौर से गुजर चुके, उसके बाद होता ना यार अब हो गया सब कुछ और अब मस्ती करें, पार्टी करें थोड़ी सी, और मैं तो ऊब चुके हैं रोने से। अब कोई और भी जैसे रोते हैं तो मेरे को लगता है क्या है, क्यों रो रहा है, एक ही लाइफ है, एंजॉय करो यार, जो जिसको जाना था चला गया, जिसको जो करना था कर लिया, अब बची आपके साथ ऐसे ही हुआ है या अब फंस गए, पता नहीं है अब फंस गए तुम तो भाई, मेरे साथ बहुत जबरदस्त चीजें हुई हैं। हाँ बट ठीक है, अब देखो मैं एक बात बताता हूँ, आर्टिस्ट तभी बनता है जब उसका दिल टूटता है। आप कहते ना वो एक जो चीजें हैं, जगह है, जो जख्म है वो भरे नहीं भरे, बट ठीक है,
लेकिन हमने उसके साथ जीना सीखना पड़ता है अच्छे से, हम कैसे चीज़ों को मैनेज करें, ये नहीं कि अब यू नो सर पे हाथ रख के बैठ जाएं, ये हो गया, होना था जो हो गया। देखो जो, जो हम नहीं भरे जहाँ गड्ढे बन चुके हैं वहाँ ग्लैमर भर चुके हैं। तो वही है कि मेरा भी मतलब अभी मैं ऐसे गाने बहुत कम करता हूँ, बेसिकली मेरे सैड एंड रोमांटिक गाने ज़्यादा होते हैं। इस गाने के लिए मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि जो चाहने वाले हैं फैंस हैं उनका क्या यू नो रिएक्शन होगा, नया टेस्ट सुनने को मिलेगा क्योंकि ऐसे गाने में बहुत रेयरली पहले लिखता था, अभी मैंने फिर से यू नो ऐसी राइटिंग शुरू किया सैड और रोमांटिक से थोड़ी सी हटके। तो या इट्स ऑल अबाउट फन लविंग चीज़ है जो यू नो आप गाड़ियों में क्लब्स में और जहाँ पे कोई खुशी का मौका हो, पार्टी हो, चार यार दोस्त इकट्ठे होके पी रहे हैं तो वहाँ वो चीज़ है जो काम आएगी। तो या इट्स एंथम बन सकती है ये चीज़ के जो जब भी आप रैप करते हैं ना तो जो यंगस्टर है ना वो दिल से लगा लेता है, क्या क्या अच्छा होता है, वही दिल से निकली चीज़ दिल तक जाएगी क्योंकि इट्स इसमें वही चीज है ना कि आप क्या चाहते हो कहाँ लगाए वो नहीं दिल से लग जाता है ना रैप जो करते हैं। हाँ तो वही है, वही मैं आपको बोलूँ ना जो दिल से निकली हुई चीज है वो जो दिलों की बात है वो दिलों तक पहुंचती है या यही है, दिलों तक ही पहुंचेगी। नहीं जो स्माइल कर रहे हो ना इनके जो गाने होते हैं वो लोगों को रुला देते हैं। देखो वो था अभी हम हंसाने आए हैं, अभी हम अभी हम हंसाने आए, रोमांस करने आए, अभी पार्टी करने आए हैं, तो अभी आज रोने धोने की बात नहीं होगी, आज माहौल अलग है। हाँ ओके, रैप तो एक्टिंग भी आप करते हैं, रैप भी कर रहे हैं, तो आगे की क्या प्लानिंग है कुछ अगर आपका? देखो प्लानिंग जो होती है हम तो करते रहते हैं, आगे की प्लानिंग वो जानता है, इंसान अपनी ओर से बड़ी कोशिश करता मैं ये करूँगा वो करूँगा, हम अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह गाने वगैरह ये तो हम करते रहेंगे, बट जो प्लानिंग है हमारी तो यही प्लानिंग है, अब गाना करेंगे ये कोई अपना एक्टिंग होगी या गाना होगा, एक्टिंग होगी गाना बनाएंगे वीडियो बनाएंगे, हमारी यही प्लानिंग है, और तो अभी बीवी बच्चों की प्लानिंग तो नहीं है अभी कोई, तो किसी को डेट वीट कर रहे कि नहीं डे, आप बताओ कोई है लड़की नजर। देखो मैं 3 साल से सिंगल हूँ, गर्ल्स एंड जितनी भी खूबसूरत और खूबसूरत नहीं भी हैं दिल की अच्छी हैं, वैसे तो लड़कियां सब खूबसूरत, लड़कियां सभी खूबसूरत होती हैं, ऊपर वाले ने एक ऐसी नायाब चीज़ बनाई है तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हम बहुत जज करते हैं रंग पे, रूप पे, हाइट पे, फाइट पे, नहीं करना चाहिए। मैं ऑनेस्टली दिल से ये बात बोल रहा हूँ, लड़की दिल की अच्छी होनी चाहिए, मैं बहुत सीरियस होकर ये बात बोल रहा हूँ, मैं 3 साल से सिंगल हूँ एंड मुझे प्यार, हाँ ऑनेस्टली यार ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे प्यार नहीं हो रहा है, मुझे प्यार नहीं हुआ है अभी तक, और पहले मैं सोचता था होना नहीं चाहिए, मैं लड़कियों से दूर रहूँगा, मैं किसी से मिलूँगा नहीं, बात नहीं करूँगा, जब मेरे साथ बहुत चीज़ें हुई यू नो वो एक डार्क टाइम था मेरा, एक सैड जोन था, बहुत खराब दर्द भरे गाने, रोना धोना सब लिखा, बट अब 3 साल के बाद मुझे ऐसा फील होने लगा यार कभी कभी कोई ऐसा हो जिसके कंधे पे सर रख के सोया जाए, जिससे रात भर बात की जाए, जिसके साथ वर्ल्ड टूर किया जाए, तो ऐसी कोई लड़की है तो प्लीज़ जो मेरे अंदर प्यार जगा सके, तो प्लीज भाई को बहुत सख्त जरूरत है, तो मैं भी ये भाई की ओर से आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारी भाभी जो है वो जल्द से जल्द हमें उनसे नहीं तो फिर वो जाएगी और दर्द भरे गाने निकलेंगे, पार्टी वाली भाई से दूर हो जाएगा, ये सबके हाँ अभी ये वाली बातें नहीं है ना, ये बातें नहीं, हम सिंगल रहना चाहेंगे और सिंगल कर, जब बंदा प्यार में होता है तो काम की रफ्तार भी उसकी थोड़ी सी कम हो जाती है, अगर बहुत ज्यादा प्यार सब कम प्यार बढ़ जाता है, बस प्यार की रफ्तार तेज हो जाती है इमोशंस की।